आप सभी को पता है कि कल 12 अगस्त से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हैं फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिसके माध्यम से आप लोगों के जो मन का बोझ है, प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल में क्या करना होगा, प्रैक्टिकल 3 दिन चलता है या प्रैक्टिकल 3ों दिन में क्या होगा, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो चिंताएं हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में काफ़ी कम होने वाली है। तो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगा कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये मैं गवर्नमेंट ITI में खुद टीचर हूँ और हर बार मैं भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हूँ। आप लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसके बारे में भी आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 9:30 बजे से आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम है और 12 अगस्त को है, 13 को है और 14 को है। एग्ज़ाम जो है वो 3ों दिन चलता है। बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं जैसे इलेक्ट्रीसियन हो गई, फिटर हो गई, टर्नर हो गई, मशीनिस्ट हो गई, तो ऐसी ट्रेड जिनमें लंबे लंबे प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनका 3ों दिन चलता है। बाकी बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसमें प्रैक्टिकल 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें 2 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। फिलहाल आप मान के चलिए कि आपके प्रैक्टिकल 3ों दिन ही होने हैं और 9:30 से 5 या 6 बजे तक का टाइम दिया है, वहाँ तक होने हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में आप लोगों को क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि 9:30 बजे से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है। उसी में नीचे लिखा होगा कि आप लोगों को जो है 45 मिनट पहले आपके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो 9:30 बजे से एग्ज़ाम है, 45 मिनट पहले आपको पहुंचना है। साथ में आपको एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, मतलब आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ये सारी चीज़ें लेके जब आप 9 बजे तक हर हालत में अपने कॉलेज में पहुँच जाएंगे, सेंटर आपके होम सेंटर है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी सेंटर में आपका एग्ज़ाम है। जब आप 9 बजे पहुंच जाएंगे वहां पर आपका जिस कक्ष में भी आपका होगा उसी कक्ष में जाके आप लोग बैठ जाएंगे। तो जैसे ही वहां पर बैठ जाएंगे उसके बाद आप लोग कुछ चेक हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड चेक हो सकते हैं दोनों, आपका जो है आधार कार्ड चेक हो सकता है। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। फ़ोन वगैरह, मोबाइल वगैरह वहाँ पर अलाउ नहीं रहते हैं, तो आप लोग फ़ोन वगैरह अवॉइड करिए। अगर लेके जाते हैं सेंटर तक तो स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके अपने बैग में डाल के उसको सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। चलिए, अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पेपर मिलता है और एक कॉपी मिलती है। कॉपी में बेसिक सी डिटेल्स होती हैं, वो आप भर लेंगे, जैसे अपना रोल नंबर भरना है, अपना नाम भरना है, किस ट्रेड के हैं, क्या फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, सत्र मतलब, और प्रयोगात्मक परीक्षा, विषय का नाम प्रयोगात्मक परीक्षा है, और बाकी चीज़ें ट्रेड वगैरह, ये सारी सामान्य सी चीज़ें आप ये भर लेंगे। तो सबसे पहला काम होता है आपका जो पेपर आया है उसके हिसाब से कॉपी लिखना। चलिए, मेरे पास एक फिटर का पेपर है, 2023 का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, एनुअल सिस्टम फर्स्ट ईयर का ये एग्ज़ाम है। तो देखिए, 250 मार्क्स का होता है, सभी का 250 मार्क्स का होता है। सबसे पहला है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी कवर्ड कैरिंग आउट द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो। तो देखिए, कॉपी लिखने का 30 नंबर है यहाँ पर। तो पहला ही क्वेश्चन सिर्फ आपको लिखना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जॉब बनानी। ये जो जॉब है ये फिटर के छात्रों के लिए है, ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन का अलग प्रैक्टिकल आता है और भी ट्रेड के अलग अलग प्रैक्टिकल आते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों का जो है वो वाइवा है। तो 3 पोर्शन होते हैं, किसी में 2 ही पोर्शन होंगे, और इलेक्ट्रीशियन वाले में हो सकता है 5 क्वेश्चन आए, ICT SM में 5 क्वेश्चन आए, RAC में 5 क्वेश्चन आए, और फिटर में 3 ही क्वेश्चन आते हैं, और 3 में से 1 आप लोगों को कॉपी पे लिखना रहता है, बाकी 1 बनाना रहता है और 1 वाइवा है। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि आपको जॉब बनाने का ऑपरेशन लिखना है, मतलब कार्यविधि लिखनी है। जॉब बनाने के लिए कौन से टूल्स रिक्वायरमेंट हैं, कौन से यंत्र रिक्वायरमेंट है, कौन से औजार रिक्वायरमेंट है, और उसमें सुरक्षा सावधानियां क्या हैं, ये चीज़ आपको कॉपी पर लिखनी है। तो कौन सी जॉब है, जॉब ये है, तो इस जॉब को बनाने के लिए
आप कॉपी मिलेगी जो आप उस पर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर डालेंगे और लिखेंगे कि जॉब को बनाने के लिए सबसे पहले जॉब का लिखेंगे कि फिटिंग है एज पर ड्राइंग, फिटिंग जॉब बनानी है। फिर आवश्यक औजार कौन कौन से हैं, तो देखिए फिटर के लिए कौन कौन से आवश्यक औजार होते हैं, सबसे पहले तो काटने के लिए, मार्किंग के लिए हेक्सा की ज़रूरत पड़ेगी, काटने के लिए भी हेक्सा की ज़रूरत पड़ेगी, फाइलिंग सरफेस बनाने के लिए ट्राई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, सेंटर पंच डॉट पंच की ज़रूरत पड़ सकती है, स्क्राइबर की ज़रूरत पड़ सकती है, बेंच वाइस की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक हैमर की भी ज़रूरत पड़ सकती है जब आप पंचिंग करेंगे, हो सकता है कोई और ड्रिलिंग वगैरह मशीन की भी ज़रूरत पड़ सके, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। तो ये हो गया आपका कि कौन कौन से आपको औजार चाहिए, लिस्ट ऑफ औजार का नाम लिखना है आपको, इक्विपमेंट्स का नाम लिखना है और बनाने की विधि लिखनी। बनाने की विधि आप लोग सभी जानते हैं कि ड्राइंग के अनुसार मटेरियल ले लेंगे, फिर ड्राइंग के अनुसार उसे कट कर लेंगे, सरफेसिंग बराबर कर लेंगे, उसके बाद उसकी मार्किंग करेंगे, पंचिंग कर लेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे, फिर एज पर डायमेंशन उसको ओके कर लेंगे, उसके बाद उसको चेक करते रहेंगे। ये बनाने की विधि हो गई। फिर तीसरा है आपको सुरक्षा सावधानियाँ लिखना, तो सुरक्षा सावधानी क्या क्या होती हैं फिटर में, सभी प्रैक्टिकल में लगभग लगभग कॉमन रहती हैं। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन रहता है बायबा, तो जो आप जॉब बनाए हैं उससे रिलेटेड आपके जो एक्सटर्नल आएंगे बाहर से लगाए जाते हैं वो आएंगे, उसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जॉब से रिलेटेड ज़्यादातर पूछेंगे। अगर जॉब से रिलेटेड नहीं पूछते हैं तो आपके थ्योरी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। मोस्टली जो होता है वो जॉब जो आई है उसी में पूछ लेंगे कि कौन से धातु की है, कौन कौन से औजार इसमें प्रयोग हुए हैं, कैसे इसको बनाया है और भी चीज़ें उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये ऐसे एक फिटर का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रीशियन में जो भी आएगा सबसे पहले आपको कॉपी लिखना है, कॉपी जब आपकी लिख जाएगी एक दो घंटे में उसके बाद आपको कॉपी जमा कर देनी है। सबसे मेन होता है वहाँ पर एक अटेंडेंट सीट आती है, मतलब उपस्थिति के लिए सिग्नेचर के लिए आती है, उसमें आप लोग सिग्नेचर ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो अब्सेंट हो जाएंगे आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अपनी प्रेजेंट जरूर लगा लीजिएगा, एक सीट आएगी उसमें अपने सिग्नेचर ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी कॉपी किसी भी दशा में खाली मत छोड़िएगा, कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, बना बना के अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जब कॉपी में दो तीन घंटे हो जाएंगे कॉपी आपकी जमा हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर अपने पास रखना है और पेपर में जो आया है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करना है। जैसे मैंने फिटर वालों को बताया दो जॉब काट लेना है, काटने के बाद सरफेसिंग कर देनी है और जो स्ट्रक्चर आए उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेल फीमेल आए जो भी आए उसको बना देना है। तो ये ऐसे ही वेल्डर का आता है, ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन का आता है, इलेक्ट्रीशियन में हो सकता है किसी प्रकार की वायरिंग आए, ऐसे ही आरएसी में आता है उसमें हो सकता है कि कंप्रेसर की रिपेयरिंग आ जाए, हो सकता है कंडेंसर की सर्विसिंग आ जाए, हो सकता है गैस लीकेज हो तो गैस भरने के लिए आ जाए, तो ये प्रैक्टिकल आते हैं। कोपा में कोई जॉब बनाने के लिए आ जाएगा, कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये है, तो सबसे पहले तो आपको कॉपी लिखना है, कॉपी लिखने के बाद जो जॉब दिया है आपके प्रैक्टिकल में पेपर में उसको आपको बनाना है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, उसके बाद आप लोगों को बायबा देना है। ये तीन दिन यही काम लगातार चलता रहेगा। जब आपके टीचर्स बोल देंगे कि हाँ अब आपका हो गया है अब मत आना, तो आपको वहाँ पर नहीं आना, मगर जॉब जो है पर स्टूडेंट मस्ट है, कॉपी लिखना मस्ट है, कॉपी भरना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग किसी भी दशा में खाली कॉपी मत छोड़िए, जॉब अपनी बना के खुद से या फिर जैसे भी अरेंज करके वहाँ पर जमा ज़रूर करनी है। इन्हीं बात के आप लोगों को नंबर दिए जाते हैं। कुछ भी समस्या होती है अपने टीचर के संपर्क में रहिए, वो आपकी यथासंभव मदद करेंगे, बट आप लोग जो है पूरा डिसिप्लिन में रहिए। जो एक्सटर्नल आता है आपका वायवा लेना उससे मिसबिहेव ना करिए, अपने टीचर से मिसबिहेव ना करिए, उन्हीं सब पे आप लोगों के नंबर जो है अगर मिसबिहेव करेंगे तो वहाँ पर कट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मेंटेन करके चलिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।